नमस्कार, मैं राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का नंबर वन एंड लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय आपके खबर। चले बढ़ते हैं सबसे पहले आज के प्रमुख हेडलाइंस की तरफ। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर रविवार को कूचबिहार जिला तृणमूल कांग्रेस कोर कमेटी की हुई एक महत्वपूर्ण बैठक। वामफ्रंट उम्मीदवार भागीरथ राय ने कहा कि चाय बगान की समस्याओं को लेकर आम लोगों के बीच किया जाएगा चुनाव प्रचार। दार्जिलिंग पहाड़ पर शांति के कारण उमड़ रही है पर्यटकों की भारी भीड़। सिलीगुड़ी में मना ठाकुर पंचरण वर्मा का 154वां जन्म जयंती। कूचबिहार से वाम मोर्चा उम्मीदवार गोविंद राय ने शुरू किया प्रचार अभियान। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 100 लीटर विदेशी शराब व आग्नेयास्त्र के साथ दो व्यक्ति हुआ गिरफ्तार। कालचीनी में दो बाइसों ने आतंक मचाकर एक व्यक्ति को किया घायल। मालदा में 1.5 लाख के नकली नोटों के साथ 3 गिरफ्तार। अब बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की तरफ विस्तार से। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर रविवार को कूचबिहार जिला तृणमूल कांग्रेस कोर कमेटी की एक बैठक कूचबिहार शहर के जिला पार्टी कार्यालय में उत्तरबंग विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष की उपस्थिति में हुई संपन्न। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष पीएस गुले ने पश्चिम सिक्किम के ही गांव में एक सभा के दौरान विधानसभा चुनाव हेतु अपने 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। सिक्किम के प्रमुख विपक्षी पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने रविवार आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। पश्चिम सिक्किम के गेजिंग बर्मेक समष्टि अंतर्गत ही गांव में पार्टी के एक जनसभा को संबोधित करने के क्रम में एसकेएम के अध्यक्ष पीएस गोले ने 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, जिसमें योक्सम तासेडिंग से श्री संगय लेपचा, दारामडीन से श्री एमएन शेरपा, सिंगताम से डॉक्टर एमके ढकाल, सयारी से श्री कुंगा निमा लेपचा, यांगयांग रांगयांग से श्री आर के बसनेत, डोजोंगू से छुंग किपू लेपचा, लाचेन लाचुंग से श्री संदूप लेपचा, नामची सिंगथाम से श्री गणेश राय व संघा से श्री सोनम लामा। जलपाईगुड़ी में चुनावी प्रचार के दौरान वामफ्रंट लोकसभा उम्मीदवार भागीरथ राय ने कहा कि इस बार चाय बगान की समस्याओं को लेकर आम लोगों के बीच किया जाएगा चुनाव प्रचार। दार्जिलिंग पहाड़ पर शांति के कारण उमड़ रही है पर्यटकों की भारी भीड़। पर्यटकों के आगमन से पहाड़ वासियों में देखा जा रहा है उत्साह का माहौल। वर्तमान में दार्जिलिंग पहाड़ शांत है और मौसम भी काफी सुहाना बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ स्कूलों की परीक्षाएं भी खत्म हो चुकी हैं और कुछ दिनों के लिए स्कूलों में छुट्टियां भी चल रही हैं। यही कारण है कि दार्जिलिंग पहाड़ पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हालांकि पर्यटकों के इस भीड़ उमड़ने के पीछे मुख्य कारण पहाड़ की शांति ही है। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि गोरखालैंड आंदोलन के दौरान पहाड़ काफ़ी गर्म और अशांत रहा, इसी कारण पर्यटकों ने पहाड़ पर आना छोड़ दिया था। लेकिन गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का कामकाज विनय तमंग और अनित थापा के द्वारा संभाल लेने के बाद से पहाड़ पर काफ़ी शांति का माहौल बन गया है। यह बात सर्वविदित है कि पर्यटक वहीं जाते हैं जहां पर उनको किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना नहीं रहती है। पहाड़ पर माहौल काफ़ी अच्छा है, इसलिए पर्यटक पहाड़ पर जा रहे हैं। सिलीगुड़ी में चंपासारी ठाकुर पंचरण वर्मा स्मारक समिति की ओर से चंपासारी के सिलीगुड़ी विद्या मंदिर मैदान में एक कार्यक्रम के बीच ठाकुर पंचरण वर्मा का 154वां जन्म जयंती का किया गया पालन। कूचबिहार से वाम मोर्चा उम्मीदवार गोविंद राय ने शुरू किया प्रचार अभियान। तृणमूल कांग्रेस के बाद पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा के द्वारा ही 25 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। इसमें कूचबिहार से फॉरवर्ड ब्लॉक प्रार्थी गोविंद राय चुनाव लड़ रहे हैं। नामों की घोषणा होने के बाद ही उन्होंने जबरदस्त तरीके से प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। रविवार के दिन छुट्टी का दिन था, इसलिए वह कूचबिहार के विभिन्न बाजारों में गए, जैसे मछली बाजार, सब्जी बाजार सहित कई अन्य बाजारों में गए और लोगों से मिले और अपना बहुमूल्य वोट देने का अनुरोध किया। उन्होंने कूचबिहार के नतुन बाजार इलाके से रविवार को अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। इस्लामपुर थाने की पुलिस ने लोकसभा चुनाव से पहले 100 लीटर विदेशी शराब व आग्नेयास्त्र के साथ दो व्यक्ति को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों के नाम क्रमशः गुफरान आलम व अपूर्व राय हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुप्त सूत्रों के आधार पर अभियान चलाकर इस्लामपुर थाने की पुलिस ने इस्लामपुर के रामपुर ब्रिज पर चहलकदमी कर रहे थे गुफरान आलम।
उसी समय पुलिस ने गुफरान को गिरफ्तार कर लिया। उसकी तलाशी करने पर पुलिस को एक आग्नेयास्त्र व एक राउंड कारतूस बरामद हुआ। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने अपूर्व राय को इस्लामपुर पुराने बस स्टैंड के सामने से 100 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों को इस्लामपुर महकमा अदालत भेज दिया गया, जहाँ से आरोपियों को 7 दिनों की पुलिस रिमांड में रखने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल समय हो चुका है छोटे से ब्रेक का, हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप कई मजा बने रहिए एसके लाइव के साथ। घर त त्यसै नै बनिँदैन, सपना देख्नु पर्छ। सपना जुन चाहिँ रंगहरूमा देखिन्छ, रंग जुन चाहिँ दीवारमा खेल्छ, कदमको हर आहटमा खुशी देखिन्छ, उम्मीदमा हिता सालै साल सपनाको घर बनिन्छ। सुन्दर दीवारमा स्वर्ग जुन आफ्नो बस्यो, धरती देखि आकाशसम्म रंग हो पिया यसको। PIS Pashupati Infra and Suppliers exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS The Planet Mall, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For inquiry, call 97334-1141. मैले तिमीलाई अस्ति भनेको नि डाक्टर फुटको स्कुल जुत्ता किन्देऊ भनेर, तर तिमी मानेनौ। हजुर डाक्टर फुट सुविधायुक्त, टिकाउ अनि नचिप्लिने पनि। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, इसके लिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मनचले बाइक चालकों के खिलाफ जलपाईगुड़ी पुलिस का अभियान तेज, 4 बाइक के साथ 12 मनचलों को किया गया गिरफ्तार। जलपाईगुड़ी जिले में शाम होते ही विभिन्न इलाकों में बाइक पर सवार मनचलों का उत्पात बढ़ जाता है। इन मनचलों से आम लोग काफी परेशान रहते हैं और यही कारण है कि लोगों ने कई बार पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा कई बार इन बाइक चालकों को सचेत भी किया गया, पर कोई लाभ होता नहीं दिख रहा। ऐसे मनचलों के खिलाफ कोतवाली थाने की सिविल ड्रेस की पुलिस ने अभियान चलाकर नतुन ब्रिज, करला नदी, राजाबाड़ी पाड़ा, क्लब रोड सहित कदमतल्ला इलाकों में बाइक के साथ 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में जलपाईगुड़ी थाना के पुलिस IC विश्वश्री सरकार ने बताया कि शहर में बाइक चालकों का उत्पात बढ़ने की शिकायत मिलने के बाद अभियान चलाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा इन मनचलों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 1.5 लाख के नकली नोटों के साथ 3 गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव पूर्व पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने 1.5 लाख रुपए के जाली नोटों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त नोटों में सभी नोट 500 रुपए के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के नाम नूर इस्लाम, रुबेल शेख व काबिल खान हैं। तीनों कालाचक थाना के लखीपुर के निवासी हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुप्त सूत्रों से मिले आधार पर इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने रविवार सुबह करीब 9:30 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग के सुधानी मोड़ इलाके में अभियान चलाकर नकली नोटों के साथ 3 तस्करों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से पुलिस ने 500 के 300 नकली नोट व 4 मोबाइल बरामद किए हैं। आरोपियों को रविवार मालदा जिला अदालत में पेश कर 7 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में लेने का आवेदन किया गया है। अलीपुरद्वार के कालचनी में 2 बाइसनों ने आतंक मचाकर एक व्यक्ति को किया घायल। वन विभाग के कर्मियों ने नींद का इंजेक्शन देकर किया बाइसन को कब्जे में। अलीपुरद्वार जिला अंतर्गत तुरतुरी धमसीबाड़ी के भांगापाड़ा गांव में बक्सा बाघ प्रकल्प परियोजना के अंतर्गत पड़ने वाले पानबाड़ी जंगल से 2 बाइसन इस गांव में घुस गए। गांव में बाइसनों को देखकर खलबली मच गई। लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगे और इसी चक्कर में ईशान उराव नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको वन विभाग के कर्मियों के द्वारा स्थानीय पुगेर घाइताइलाई अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। दूसरी तरफ सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचकर ट्रिकुलाइजर का इंजेक्शन देकर बाइसन को बेहोश कर जंगल ले गए। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा सिंगला कर्मटार ब्लॉक समिति के आयोजन में दार्जिलिंग जिला के पुल बिजनबाड़ी गोक में रविवार को एक सभा का आयोजन हुआ संपन्न, जिसमें गोक ग्राम पंचायत क्षेत्र के 8 परिवार गौरवों पार्टी त्याग कर गोजाओं में शामिल हो गए। समष्टि सभापति SM राय ने सभी नव आगंतुकों को दलीय पताका प्रदान कर पार्टी में स्वागत किया।
उत्तर बंगाल एवं सिक्किम की खबरों की जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहिए, इसीलिए आप बने रहिए हमारे साथ यानी एसके लाइव के साथ। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।